फिर वेलकम है आप सभी का सेवियर एकेडमी में। मैं बाबूराम, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बच्चों, आज फिर आप सभी के बीच हम आज लेकर आए हैं आपके लिए हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो शुरू करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए एक बार जल्दी से शेयर और लाइक कर दीजिए। यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बच्चों, हम क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों, वो है प्रोपेन के विभिन्न डाई हेलोजन व्युत्पन्नों की संरचनाएं लिखिए। जी हाँ बच्चों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है प्रोपेन के विभिन्न डाई हेलोजन व्युत्पन्नों की संरचनाएं लिखिए। तो जैसा कि आप हैं सभी जानते होंगे कि प्रोपेन का मीन्स बच्चों क्या होता है, प्रोपेन का मीन्स होता है बच्चों थ्री कार्बन। कितना कार्बन बच्चों? थ्री कार्बन। और तो सबसे पहले आप थ्री कार्बन लाइट कर लीजिए। कितने कार्बन बच्चों? थ्री कार्बन आपको लाइट करने हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोपेन की। तो प्रोपेन के बच्चों कौन से हैं डाई हेलोजन व्युत्पन्न, कौन से हेलोजन व्युत्पन्न है बच्चों? डाई हेलोजन व्युत्पन्न। प्रोपेन का मतलब क्या होता है बच्चों? तीन कार्बन, वन टू एंड थ्री। तो ये तीन कार्बन है बच्चों। प्रोपेन मीन्स कितना कार्बन होता है? थ्री। और एन मीन्स होता है बच्चों आपका, एन मीन्स क्या होता है बच्चों आपका? सिंगल बॉन्ड। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। इट मीन्स कार्बन कार्बन के बीच जितने भी बॉन्ड है बच्चों वो कैसे हैं? सिंगल हैं। तो क्वेश्चन है प्रोपेन के विभिन्न डाई हेलोजन व्युत्पन्न। इसका मतलब बेटा प्रोपेन पे डाई हेलोजन, दो हेलोजन आपको ऐड करने हैं। किस किस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं वो जरा देखेंगे। तो बच्चों फर्स्ट टाइप ये हो सकता है आपका कि आपके जो दोनों हेलोजन है वो आपके एक ही कार्बन से अटैच हों, लास्ट वाले से। चलिए नंबरिंग कर देते हैं, वन टू थ्री। डाई हेलोजन की बात कर रहे थे बच्चों, डाई हेलोजन की। तो डाई हेलोजन का मतलब है कि दोनों हेलोजन आपके, एक तो ये रहा बेटा फर्स्ट पे हेलोजन मीन्स एक्स, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा नहीं है कि हेलोजन कौन सा बच्चों। हेलोजन का मतलब होता है या तो क्लोरीन आपका बेटा, या होता है ब्रोमीन, या होता है आपका आयोडीन। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये तीन बच्चों आपके हेलोजन होते हैं। और एक छोटा हेलोजन होता है जिसका नाम है बच्चों आपका फ्लोरीन। तो इन चारों में से कोई भी हेलोजन हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा नहीं है कि कौन से डाई हेलोजन है, तो हम यहाँ पर एक्स ही लेकर चलेंगे। तो एक तरीका बच्चों ये हो गया डाई हेलोजन का। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड बच्चों तरीका ये हो सकता है कि वन टू थ्री दोनों हेलोजन आपके सेंटर वाले कार्बन से अटैच हों। ये हो गया बच्चों आपका सेकंड वाले हेलोजन से, सेकंड जो हेलोजन है बेटा वो भी आपके सेकंड कार्बन से अटैच हो। क्लियर। जो थर्ड है बेटा वो आपका हो सकता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अगर हम थर्ड लेने की कोशिश करेंगे वन टू थ्री, अगर हम तीन कार्बन देखें बेटा, दोनों हेलोजन पहले हमने वन नंबर पर ऐड किए, दोनों टू पर ऐड किए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि दोनों हम इस बार थ्री पर ऐड करने वाले हैं, ये हो गया आपका फर्स्ट और ये हो गया आपका सेकेंड, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका रॉन्ग। कारण क्या है बच्चों? हम काउंटिंग उसी तरफ से करते हैं जहां से हेलोजन एटम आपके पास में होते हैं। तो अगर हेलोजन आपके इस कार्बन से अटैच है तो हम इसी को नंबरिंग कितनी करेंगे? वन, जो कि हमारा फर्स्ट है। तो इस तरीके का कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसका मतलब आपकी दो हो गई बेटा कि दोनों हेलोजन आपके वन पर अटैच हो, दोनों टू पर अटैच हो। थर्ड की कोशिश करते हैं बच्चों, वन टू थ्री। थर्ड टाइप आपका ये पॉसिबल है कि एक हेलोजन आपका फर्स्ट पर हो बेटा और दूसरा जो हेलोजन है आपका वो आपका सेकंड नंबर पर हो। तो इनकी जो पोजीशन है बेटा वो हो जाएंगी फर्स्ट और सेकंड। कितनी हो जाएंगी बच्चों आपकी? फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि एक हेलोजन आपका फर्स्ट पर है और दूसरा कौन से पर है बेटा? सेकेंड पर है। क्लियर बेटा। तो नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ। फोर्थ आपका जो है बेटा वो हो सकता है आपका कि आप यहां पर वन टू और थ्री। तो एक ट्राई ये भी हो सकती है कि एक हेलोजन आपका फर्स्ट कार्बन पर हो और जो दूसरा हेलोजन है आपका वो लास्ट कार्बन पर हो, यानी कि थर्ड पर। क्लियर बच्चों। तो यहां तक आपने देख लिया होगा कि हमने ट्राई किया है बेटा यहां से फोर आपके जो हेलोजन व्युत्पन्न है वो पॉसिबल है। चलिए वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं, कल सिखाया था बच्चों आपको। तो ये फर्स्ट कार्बन है बेटा, फर्स्ट कार्बन है वन टू और थ्री। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है बच्चों? फोर। तो एक वैलेंसी इनकम्प्लीट है तो एक हाइड्रोजन, ये हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड बेटा कार्बन है वन और टू, दो ही सिंगल बॉन्ड है बेटा,
तो दो सिंगल बॉन्ड है तो वैलेंसी कितनी इनकम्प्लीट है, दो। तो यहां पर आ जाएगा आपका CH2, कितना आ जाएगा बच्चों CH2। कल बताया था आप सभी को कि कार्बन बेटा टेट्रावेलेंट होता है और कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, चार। कार्बन थ्री की वैलेंसी देखें, एक सिंगल बॉन्ड है बेटा आपका और कितने हाइड्रोजन है बेटा आपका, रिमेनिंग थ्री। तो ये हो गया आपका CH3। तो फर्स्ट जो कंपाउंड है आपका, मैं बेटा यहां पर लिख देता हूं साइड में, ये हो गया आपका फर्स्ट कंपाउंड CH3, CH2 और CH। दो हैलोजन थे बेटा, एक सामने X और एक डाउन में 2। सेकंड वाले की बेटा आप वैलेंसी कंप्लीट करें, जो ये कार्बन है नंबरिंग कर देते हैं, चलो 1, 2 एंड 3 नंबरिंग बेटा कर देते हैं, 1, 2, 3। तो फर्स्ट कार्बन पर बेटा कितना है, सिंगल बॉन्ड। कार्बन बॉन्ड कितने फॉर्म करता है, 4। तो इस कार्बन का बेटा फर्स्ट वाले का एक ही बॉन्ड है, तो कितने रिमेनिंग होंगे, 3। तो ये हो जाएगा आपका CH3, कितना हो जाएगा CH3। चलिए कंप्लीट हो गई। सेकंड कार्बन की वैलेंसी देखते हैं बेटा, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड बेटा और ये 3 और ये 4, टोटल चारों बॉन्ड फॉर्म है, इसका मतलब सेकंड की वैलेंसी आपकी कंप्लीट है। थर्ड वैलेंसी देखें बेटा, थर्ड कार्बन की, जो थर्ड कार्बन है उसने बेटा एक ही सिंगल बॉन्ड बनाया, वो ये है, आप देख पा रहे होंगे, कितनी रिमेनिंग है बेटा, 3। तो 3 हाइड्रोजन बेटा इसके पास आ जाएंगे, CH3, कितना हो जाएगा CH3। चलिए इसको भी साइड में लिख देते हैं हम, ये हो गया आपका सेकंड। तो ये आपका पॉसिबल है बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड C, एक हैलोजन बेटा अपवर्ड डायरेक्शन में और एक डाउनवर्ड में, या दोनों डाउन में ले लें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये हो जाएगा आपका CH3। थर्ड बेटा आप देख पा रहे होंगे, जो थर्ड है यहां पर फर्स्ट कार्बन है, वैलेंसी कितनी है इस कार्बन की, 1 एंड 1, कितना हो गया बेटा 2। तो रिमेनिंग कितनी है आपकी, 2। तो ये हो गया आपका CH2, कितना हो गया बेटा CH2। सेकंड कार्बन की देखते हैं बेटा एक बार, सेकंड कार्बन जो आप देख पा रहे हैं इसकी वैलेंसी कितनी है बेटा, 1, 2 और 3। इसने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, जबकि एक बॉन्ड इसका और बेटा ब्लैंक है, तो एक बॉन्ड फॉर्म करने के लिए क्या हो जाएगा CH। और ये जो आपका थर्ड कार्बन है इसके पास बेटा एक ही बॉन्ड फॉर्म करेगा, क्या हुआ इसने, तो ये हो जाएगा आपका CH3, क्या हो जाएगा CH3। चलिए बेटा फोर्थ क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका बिल्कुल सिंपल है। चलिए बेटा थर्ड को एक बार लिख देता हूं अलग से, जिससे आप नोट कर सकें। तो थर्ड जो क्वेश्चन है आपका वो हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड X। नेक्स्ट देखिए बेटा फोर्थ, नंबरिंग कर देते हैं 1, 2 एंड 3। तो फर्स्ट कार्बन बेटा बॉन्ड देखें, 1 और 1, 2, रिमेनिंग कितना है 2 CH2, क्योंकि बेटा कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो आप देख पा रहे होंगे ये क्या हो जाएगा CH2। सेकंड कार्बन को देखें, एक सिंगल बॉन्ड बेटा ये रहा, एक ये है, दो। कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म करता है, 4। तो ये हो गया आपका 2, तो क्या हो गया ये CH2, कितना हो गया बेटा CH2। एक कार्बन नंबर 3 की देखें बेटा कितना बॉन्ड है, 1, और एक राइट साइड में है और एक लेफ्ट में, ये बेटा X हैलोजन जुड़ा हुआ है और एक ये कार्बन जुड़ा हुआ है, तो रिमेनिंग कितनी है 2। तो ये हो गया आपका CH2। इस तरीके से बेटा प्रोपेन के डाई हैलोजन जो व्युत्पन्न है वो कितने पॉसिबल है, वो है 4। आई होप आप सभी को समझ में आ गया बेटा। एक बार बेटा दोबारा से सभी को शेयर कर दें, जिससे बाकी फ्रेंड्स भी आपके कनेक्ट हो सके, जल्दी से एक बार बेटा। तो ये हो गया आपका CH2 और दोनों कॉर्नर पर बेटा आपका हैलोजन है, एक ये रहा बेटा हैलोजन, क्लियर। तो मैं आपको एक छोटा सा वर्क देता हूँ, आप कमेंट करके मुझे इन चारों के IUPAC नेम बताएंगे बेटा, कमेंट करके इन चारों के IUPAC नाम बताएंगे, जल्दी से जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका CH3 CH2 CH और ये है आपका X, कितना बेटा X CH3 CH2 CH और दो हैलोजन है बेटा इस पर। तो जो भी बच्चे सबसे फास्ट कमेंट करके बताएंगे उन 3 बच्चों के नाम बेटा कल की लाइव वीडियो में लिए जाएंगे, जल्दी से कमेंट कीजिए, आपके पास 1 ही मिनट का समय है। तब तक हम सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं, 10.4 क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख पा रहे होंगे, जल्दी से बेटा एक बार आप लाइव कर दीजिए, दोबारा से शेयर कर दीजिए। आई होप आप सभी ने के क्वेश्चन के आंसर दे दिए होंगे। चलिए एक बार फिर देख लेते हैं, स्लाइड आपके सामने है, जिन बच्चों ने IUPAC नाम इनके नहीं कमेंट किए
वो कमेंट कर सकते हैं बेटा जल्दी से। तो फर्स्ट है आपका, फर्स्ट बेटा जल्दी से एक बार ट्राई कीजिएगा। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं इसका नाम था बेटा 1,1-dihalo। क्या नाम रहेगा बेटा? 1,1-dihalo प्रोपेन। तीन कार्बन को क्या बोलते थे बेटा? प्रोपेन। 1,1-dihalo नाम हो जाएगा प्रोपेन। जल्दी से ट्राई कीजिए बाकी तीनों क्वेश्चन के आईपीसी नेम कमेंट करने हैं आपको, तेजी से बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप आप सभी ने कमेंट कर दिया होगा। तो बेटा हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और नेक्स्ट स्लाइड है आपके सामने, क्वेश्चन है बेटा एनसीईआरटी का 10.4। ये आप देख पा रहे हैं अमंग द आइसोमेरिक एल्केन्स ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला C5H12। बेटा ये मोलिकुलर फॉर्मूला है MO, मोलिकुलर फॉर्मूला C5H12। आइडेंटिफाई द वन डेट ऑन फोटोकेमिकल क्लोरिफिकेशन यील्ड्स ए सिंगल मोनोक्लोरीन, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स, 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स। हिंदी में देखे तो बेटा क्वेश्चन है आपके सामने, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है यूपी बोर्ड में। तो देखिए बेटा क्वेश्चन है C5H12 अणुसूत्र वाले समावयवी एल्केनों में से उसको पहचानिए जो प्रकाश रासायनिक क्लोरीकरण पर एक मोनोक्लोराइड देता है, एक 3 मोनोक्लोराइड देता है, और तीसरा ऑप्शन है इसका 4 समावयवी मोनोक्लोराइड देता है। तो चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले बेटा C5H12 क्या देख रहे हैं आप? C5H12, तो C5H12 बेटा जो आप देख पा रहे हैं यहां पर ऊपर, तो C5H12 की बेटा डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करते हैं। तो देखें बेटा जरा, फर्स्ट स्ट्रक्चर हम शो करने की कोशिश करते हैं। चलिए बेटा फर्स्ट है आपके सामने 1। बेटा फर्स्ट एक तरीका ये हो सकता है कि ये जो पांचों कार्बन है ये आपके बिल्कुल स्ट्रेट हो, 1, 2, 3, 4 और ये हो गया आपका 5। सेकंड जो तरीका है आपका वो पॉसिबल है बेटा आपका कि 1, 2, 3, 4 और एक कार्बन साइड चेन की फॉर्म में हो तो ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है बेटा, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट आपका ये पॉसिबल है बेटा कि कार्बन इसी तरीके से हो, 1, 2, एक ऊपर कार्बन 3 और एक नीचे सामने 4 और एक 5। कुल मिलाकर बेटा 3 तरह की कार्बन की जो 5 कार्बन की चेन है वो 3 तरीके से हो सकती है। कैसे हो सकती है देखिए बेटा जरा, एक तो पांचों कार्बन आपके स्ट्रेट हो सकते हैं, दूसरा पांचों कार्बन में से एक साइड चेन हो सकती है, 4 कार्बन स्ट्रेट होंगे, 1, 2, 3, 4 याद है कि तो बेटा स्ट्रेट चेन होगी 1, 2, 3, 4 और 5 और एक तरीका था कि दो साइड चेन हो बेटा 1, चलिए यही से काउंट कर लेते हैं 2 और 3। क्वेश्चन कहता है बेटा आपका मोनोक्लोरीनीकरण करने पर, इसका मतलब आप समझे बेटा कि आपको क्लोरीन से रिएक्शन करनी है, किससे करनी है? क्लोरीन से। तो जब आप एल्केन की रिएक्शन क्लोरीन से करते हैं जैसे CH4+Cl2 क्लोरीन से रिएक्शन करते हैं तो यहां से एक H और एक Cl, HCl रिलीज होता है बेटा, तो बनता है आपका क्या बचेगा बेटा यहां पर बचेगा CH3 क्योंकि एक H रिलीज हो चुका है Cl के साथ, तो ये हो गया आपका HCl, कितना हो गया HCl, क्लियर बेटा। और दूसरा यहां से क्या बचा आपका CH3, क्या बचा CH3 और एक Cl यहां से बचेगा क्योंकि Cl एटम दो थे तो बनेगा CH3Cl+HCl, तो क्या कंपाउंड बनेगा बेटा CH3Cl, इसी को बोल रहे हैं वो मोनोक्लोरीनीकरण, मतलब एक क्लोरीन जोड़ना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे देखिए बेटा, फर्स्ट पे या तो क्लोरीन पहले नंबर पर ऐड हो सकता है, अगर फर्स्ट पर यहां पर क्लोरीन ऐड हुआ इस पोजीशन पर, मान लीजिए क्लोरीन ये है फर्स्ट नंबर पे ऐड होता तो नाम हो जाएगा बेटा इसका 1-chloro, क्या नाम हो जाएगा 1-chloro और ये हो जाएगा बेटा आपका पेंटेन, पांच कार्बन को क्या बोलते हैं पेंटेन। अगर ये क्लोरीन फर्स्ट पे अटैच नहीं हो गया सेकंड पे अटैच होता है यहां पर Cl पर तो नाम हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, क्लोरीन कौन से नंबर पर है बेटा सेकंड नंबर पर, कौन से नंबर पर है सेकंड नंबर पर, तो ये हो जाएगा आपका 2-chloro, कितना हो जाएगा बेटा 2-chloro।
एक बार फिर देख लेंगे कितना हो जाएगा, 2 क्लोरो। और कितने कार्बन थे बेटा मेन चेन में, 5 ही है, तो 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट, तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो पेंटेन। इसका मतलब अगर फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो आपकी रिएक्शन करती है तो क्लोरीन फर्स्ट नंबर पे पॉसिबल है, सेकंड पे पॉसिबल है, फिर देखिए थर्ड पर, या तो क्लोरीन थर्ड पर भी पॉसिबल है। तो ये हो जाएगा बेटा आपका सिमिलरली 3 क्लोरो, कितना हो जाएगा 3 क्लोरो पेंटेन, कितना हो जाएगा बेटा 3 क्लोरो पेंटेन। क्लियर है यहां तक? अगर आप बेटा यहां पर सोच रहे हैं कि ये 4 पर अगर अटैच होता है तो 4 क्लोरो पेंटेन हो जाएगा, तो गलत है बेटा, क्योंकि 4 पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे 1 और ये हो जाएगा 2। अगर आप 4 पे अटैच करते हैं तो वो 4 नंबर नहीं होगा, कौन सा नंबर होगा? सेकंड। इस तरीके से जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है आपकी वो कितने समावयवी देती है? 3। कितने देती है बेटा? 3। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि ये आंसर हो गया आपका सेकंड का। कौन से का हो गया बेटा? सेकंड का। तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसने पूछा था आपसे कि 3 समावयवी मोनोक्लोराइड देता है, कितने बेटा? 3। तो 3 समावयवी कैसे मिल सकते हैं? अगर स्ट्रक्चर बिल्कुल स्ट्रेट है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3, ये आपने अभी अभी देखा है, इसका नाम है बेटा नॉर्मल पेंटेन। क्या नाम हो सकता है? N4 नॉर्मल। नॉर्मल आता है बेटा जब स्ट्रेट चेन होती है, तो ये हो गया आपका नॉर्मल पेंटेन। एक बार थर्ड स्ट्रक्चर को शो करते हैं बेटा कि अगर आप क्लोरीन से रिएक्शन करते हैं तो क्लोरीन कहां पर जुड़ेगा? किसी एक कार्बन पर अटैच होगा। सेकंड कार्बन को देखते हैं बेटा, कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म करता है? 4। तो इस कार्बन को देखें, 1, कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए बेटा? 4। 1 2 3 4। तो सेकंड नंबर पर क्लोरीन कभी जुड़ ही नहीं सकता, तो या तो बेटा क्लोरीन यहां पर जुड़ेगा इस तीसरे नंबर पर। कौन से पर जुड़ेगा? तीसरे पर। अगर आप क्लोरीन तीसरे नंबर पर जोड़ते हैं तो हम काउंटिंग यहां से करेंगे 1 2 3, तो कौन सा नंबर होगा? 1 क्लोरो। क्या होगा? 1 क्लोरो। पूरा नाम नहीं बता रहा बेटा, केवल 1 क्लोरो बता रहा हूं। अगर आप Cl यहां ना जोड़ के बेटा इस कॉर्नर पर तीसरे पर ऊपर वाले Cl पर कार्बन पर जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1 क्लोरो। क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो, क्योंकि काउंटिंग अब से कर देंगे तब भी क्या होगा? 1 क्लोरो। अगर आप इसी तरह से यहां पर Cl जोड़ते हैं इस कार्बन पर फर्स्ट वाले पर तो ये तो 1 क्लोरो रहेगा ही रहेगा। अगर डाउन में जोड़ते हैं बेटा तो भी कितना होगा? 1 क्लोरो, क्योंकि आप जिस कार्बन पर अटैच करने वाले हैं वहीं से आप यहां से वैलेंसी कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर हम देखें थर्ड का आंसर बेटा, फर्स्ट का आंसर, तो फर्स्ट ने कहा था आपसे, फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका केवल एक मोनोक्लोराइड। तो केवल एक मोनोक्लोराइड किस स्ट्रक्चर से मिलता है? इस स्ट्रक्चर से। देखिए जरा फर्स्ट का आंसर क्या हो गया आपका? फर्स्ट का आंसर हो गया बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड C, अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा CH3 और ये सामने CH3, ये हो गया बेटा C5 की स्ट्रक्चर। इसका एक कॉमन नेम होता है जिसे बोलते हैं नियो पेंटेन। क्या बोलते हैं? नियो, NEO, नियो पेंटेन। क्या बोलते हैं बेटा? नियो पेंटेन। क्लियर? 2 क्वेश्चन के आंसर मिल गए आपके, फर्स्ट के और सेकंड के। इसका मतलब जो सेकंड स्ट्रक्चर है हमारी वो किसका आंसर होगी? थर्ड का। चलिए देख लेते हैं, तो डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं बेटा थर्ड का। जो थर्ड का आंसर है आपका वो हो गया CH3, वैलेंसी कंप्लीट आपको करनी आती है बेटा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और ये हो गया आपका लास्ट में CH3। चलिए इस पे देखते हैं बेटा कैसे कैसे 4 नंबर पॉसिबल है। तो क्वेश्चन करने के लिए बेटा मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूं जिससे आपको आसानी से दिखाई दे सके। तो देखिए बेटा, एक तो जो आपका नंबरिंग है ये रही बेटा, अगर क्लोरीन फर्स्ट पे ऐड होता है तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो। कौन सा क्लोरो बेटा? 1 क्लोरो, ठीक है बेटा। और ये क्या हो जाएगा दूसरे नंबर पर? मिथाइल। अगर आप IUPAC नाम जानते हैं तो इसका हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल। अगर 1 पर ऐड नहीं करते हैं, सेकंड नंबर पर ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 क्लोरो और 2 मेथिल। एक बार नंबर लिख लेता हूं बेटा, पहला नंबर आ गया था आपका 1 क्लोरो 2 मेथिल, दूसरा नंबर आ गया 2 क्लोरो 2 मेथिल, दोनों नंबर अलग अलग है बेटा। सेकंड को कैंसिल करते हैं, अगर थर्ड पे आप ऐड करते हैं Cl, तो काउंटिंग राइट साइड से ना करके लेफ्ट से करेंगे 1 2 3 4, तो तब भी नंबर क्या आएगा? सेकंड पे क्लोरो, थर्ड पे मिथाइल, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड क्लोरो थर्ड मिथाइल। कितना आ जाएगा बेटा? सेकंड पे
नेक्स्ट देखें बेटा, अगर आप इसको देखते हैं कि Cl यहां पर आ जाएगा फर्स्ट पर, तो ये नंबरिंग हो जाएगी फर्स्ट और थर्ड, कितनी हो जाएगी फर्स्ट और थर्ड। आई होप आपको ये थोड़ा कम समझ में आया होगा, लेकिन अगर आपको दो क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल ठीक मिल चुके हैं फर्स्ट का और सेकंड का, तो तीसरी स्ट्रक्चर जो थी, जो रिमेनिंग थी हमारी सेकंड, वो आपका आंसर होगा थर्ड। चलिए बेटा ये क्वेश्चन भी है आपका कि यहाँ पर एक क्वेश्चन था नियो पेंटेन, दूसरा है नॉर्मल पेंटेन, और ये जो आप देख पा रहे हैं तीसरा क्वेश्चन, इसको बोलते हैं आइसोपेंटेन। क्या बोलते हैं? आइसोपेंटेन। जब एक साइड चेन सेकंड नंबर पे होती है बेटा, देखो 1 2, जब दूसरे नंबर पर एक मैथिल ग्रुप होता है CH3 स्ट्रक्चर होती है, तो उसे बोलते हैं आइसो, तो इसका नाम है आइसोपेंटेन। और जब सेकंड नंबर पे आप देखें दो साइड चेन होती है CH3 और CH3, तब इसके लिए वर्ड यूज आता है नियो। तो आपको नियो पेंटेन और आइसोपेंटेन का IUPAC नाम जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए आप सभी। दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं यहां पर, नियोपेंटेन और आइसोपेंटेन, जल्दी जल्दी से एक बार IUPAC नाम इनका कमेंट कीजिए, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन का IUPAC नाम बेटा जल्दी कीजिए बेटा, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन दोनों के IUPAC नाम आप कमेंट कीजिए जल्दी से, तेजी से जल्दी से बेटा ब्रेक कीजिए जल्दी से। जल्दी जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए बेटा जल्दी से आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन के नाम, जल्दी से कमेंट कीजिए जो भी कमेंट करेगा जल्दी से। अजेंद्र धामा ने पहले नाम बताए थे 1 2 डाइप्रोपेन, सेकंड वाले का बताया था 2 2 डाइप्रोपेन, और जवाब दिया था आदित्य कुमार ने, विनीता सिंह ने, और ये किसका नाम है आ गया स्वाद, किरण देवी, आदित्य कुमार, इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया था। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ चुका है मोटिवेशनल स्टेटस, प्लीज अपना नाम बताएं, मोटिवेशनल स्टेटस नाम दिया इन्होंने 2 2 डाइप्रोपेन, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है। तनु, तनु का भी जवाब आ चुका है, और ये जवाब है इनका 2 2 डाइमिथाइल पेंटेन। मोटिवेशनल स्टेटस ने बेटा मिथाइल लगाना भूल गए थे, किरण देवी 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। विश्वेंद्र त्यागी 2 2 डाई प्रोपेन, थोड़ा सा गलत टाइप हो गया, 2 2 डाई प्रोटीन लिखा गया है। नेक्स्ट एक बार देखें, निशा सिरोही, आई होप ये तनु सिरोही है, तो फर्स्ट का आंसर दिया है इन्होंने 1 2 3 डाई प्रोपेन, सॉरी सेकंड का, फर्स्ट क्वेश्चन का है 2 3 डाई प्रोपेन, चलिए वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक बार जल्दी से आप लोग फिर एक बार शेयर कर दीजिए, जिससे जिन बच्चों को सूचना नहीं पहुंची है वो एक बार फिर से लाइव आ सके। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके सामने है, फिलहाल 5 रिएक्शन है, और ये रिएक्शन आप देख पा रहे हैं, निम्नलिखित प्रत्येक अभिक्रिया के लिए मोनो हैलोजन, देखिए जरा क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित प्रत्येक अभिक्रिया के लिए मोनो हैलोजन, थोड़ा सा मिस्टेक है, मोनो हैलोजन उत्पाद की संरचना बताइए। क्वेश्चन नंबर बेटा 10, द स्ट्रक्चर्स ऑफ मेजर मोनो हैलो प्रोडक्ट, मोनो हैलो उत्पाद की संरचना आपको बतानी है। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा हम देखें, आप देखें जरा, फर्स्ट क्वेश्चन में है साइक्लोहेक्सेनोल, क्या नाम है इसका? साइक्लोहेक्सेनोल। एक बार मैं आपको दोबारा से बताता हूं, मैंने बताया था जो बंद चेन होती है, जैसे ये है, आप देख रहे हैं ट्राइंगल है, तो 1 2 3 इसका नाम बेटा साइक्लोप्रोपेन, क्लोज चेन के लिए वर्ड यूज करते हैं साइक्लो, क्या यूज करते हैं? साइक्लो, तो इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन। अगर ये 4 कार्बन होते हैं बेटा कॉर्नर, और बंद चेन होती 1 2 3 4, तो इसका नाम होता है बेटा साइक्लोब्यूटेन, क्या नाम होगा इसका? साइक्लोब्यूटेन। इसी तरीके से अगर ये 6 कार्बन हो जाएं, हेक्सागन आप बनाएं, षष्ठभुज आप बनाएं, तो इसका नाम हो जाएगा आपका साइक्लोहेक्सेन, क्या नाम हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। अगर आप इसमें OH जोड़ दें, तो आप जानते हैं OH के लिए एक सफिक्स आता है जिसको बोलते हैं ओल, क्या बोलते हैं? ओल, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनोल। तो जो आपकी फर्स्ट रिएक्शन है बेटा, इसको मैं एक बार अलग से समझाता हूँ, फर्स्ट रिएक्शन,
मान लीजिए बेटा आपके पास कोई अल्कोहल है आर ओ एच, कौन सा अल्कोहल है आर ओ एच, और आप इसकी रिएक्शन कर रहे हैं एसओ सी एल टू के साथ। किसके साथ कर रहे हैं बेटा? एसओ सी एल टू। एक तो इसका नाम नोट कर लें सभी, थायोनिल क्लोराइड नाम होता है बेटा इसका। क्या नाम होता है? थायोनिल क्लोराइड। तो थायोनिल क्लोराइड के साथ अगर आप रिएक्शन करते हैं तो यहां से देखें बेटा एक एच और एक सी एल, यहां पर सी एल कितने बेटा टू, तो यहां से एक एच और एक सी एल रिलीज होगा आपका एच सी एल। क्या रिलीज होगा? एच सी एल। सेकेंड देखें, ये है आपका एस ओ, क्या है एस ओ, और ये ऑक्सीजन बेटा, तो ये हो जाएगा एस ओ टू, क्या हो जाएगा एस ओ टू। क्वेश्चन में बेटा क्लियर था, मोनो हेलो उत्पाद मतलब एक हेलोजन जुड़ेगा, क्लोरीन कितने थे बेटा टू, कितने थे टू, तो एक क्लोरीन किसके साथ अटैच हो जाएगा आर के साथ, तो ये हो जाएगा आपका आर सी एल, क्या बन जाएगा आर सी एल। क्लियर, इसका मतलब क्या है बेटा एसओ टू और एच सी एल दोनों रिलीज होते हैं। तो देखते हैं बेटा हम, तो यहां से एक एच और एक सी एल क्या रिलीज हो जाएगा बेटा एच सी एल, क्या रिलीज हो जाएगा एच सी एल, और ये हो जाएगा आपका एस ओ और एक ऑक्सीजन साथ में, तो ये हो जाएगा आपका एस ओ टू, क्या बन जाएगा बेटा आपका एस ओ टू, सल्फर डाइऑक्साइड, क्या बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड नाम है बेटा इसका। और ये जो साइक्लोहेक्सेन था आपका, साइक्लोहेक्सेनॉल था, जहां पर OH था बेटा ठीक उसी जगह पर आप क्या जोड़ देंगे Cl, क्या जोड़ देंगे Cl, तो इसका नाम हो गया क्लोरोहेक्सेन, साइक्लो क्लोरोहेक्सेन, क्या नाम हो गया साइक्लो क्लोरोहेक्सेन। तो बेटा एक तो ये याद रखेंगे कि इस रिएक्शन का नाम था डार्जिन अभिक्रिया, क्या नाम था डार्जिन अभिक्रिया, जो बच्चे जानते हैं वो समझ गए होंगे रिएक्शन का नाम था डार्जिन अभिक्रिया। रिएक्शन एक बार जरूर देखें बेटा, क्योंकि ये जो रिएक्शन है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज की रिएक्शन है, और एग्जाम में आने की जो पॉसिबिलिटी है वो काफी हद तक इनकी पॉसिबिलिटी रहेगी कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सके। क्लियर बेटा, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। रिएक्शन का नाम मैंने आपको बताया डार्जिन अभिक्रिया, और अब करते हैं बेटा सबसे पहले फिफ्थ रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन करते हैं? फिफ्थ रिएक्शन। फिफ्थ रिएक्शन बेटा एक बार देख लेते हैं, मैं आपको अलग से बता देता हूं, सामने देखें जरा, फिफ्थ रिएक्शन की तरफ चल रहे हैं बेटा हम। रिएक्शन है आपकी CH3, कौन सी रिएक्शन है बेटा आपकी CH3 CH2Br प्लस NaI। देखें जरा रिएक्शन CH3 CH2Br, यानी कि नाम है इसका ब्रोमोएथेन प्लस NaI, क्या नाम है NaI। तो ये देखें बेटा ये हो गया आपका NaBr, क्या नाम है आपका, ये निकल जाएगा यहां से NaBr। क्लियर बेटा, तो ये जो आई है आपका आयोडीन है, ये आपका यहां पर जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा CH3 CH2I प्लस NaBr। इस रिएक्शन को आप हैलोजन एक्सचेंज भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हैलोजन एक्सचेंज। क्यों बोल सकते हैं आप समझ गए हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में क्या एक्सचेंज हुआ बेटा हैलोजन, मतलब जहां पर आपका आयोडीन था वहां पर क्या ले लिया आपने ब्रोमीन, क्या ले लिया ब्रोमीन। चलिए एक बार कलर चेंज कर लेते हैं पेन का दोबारा से। देखिए बेटा रिएक्शन थी, एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं, रिएक्शन थी बेटा मान लीजिए ये है CH3 CH2 CH2Cl, कौन सी रिएक्शन है CH3 CH2Cl प्लस NaI सोडियम आयोडाइड, तो यहां से रिलीज होगा NaCl, क्या रिलीज होगा बेटा NaCl, और ये जो आयोडीन है ये Cl की पोजीशन लेगा बेटा, तो कंपाउंड क्या बनेगा आपका, कंपाउंड बनेगा CH3 CH2 CH2I, क्या बनेगा CH3 CH2 CH2I, और ये हो जाएगा बेटा प्लस में NaCl, क्या हो जाएगा NaCl। क्लियर, तो ये बनेगा बेटा आपका CH3 CH2 CH2I प्लस NaCl, ये रिएक्शन होती है बेटा आपकी एसीटोन की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में होती है एसीटोन की प्रेजेंस में। चलिए आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, जो फिफ्थ रिएक्शन है बेटा, इस रिएक्शन को एक तो बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज, क्या बोलते हैं
हैलोजन एक्सचेंज, कौन सी रिएक्शन बोलते हैं बेटा, हैलोजन एक्सचेंज। इस रिएक्शन का नाम है बेटा, ये रिएक्शन आती है आयडो एल्केन बनाने के काम आती है। क्या, कौन से बनाने के काम आती है, आयडो एल्केन। चलिए आप लोगों के लिए जल्दी से एक छोटा सा क्वेश्चन है, फिफ्थ रिएक्शन का जल्दी से नाम बताइए कि अगर आप किसी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ करते हैं, किसके साथ करते हैं बेटा, सोडियम आयोडाइड के साथ करते हैं एसीटोन की प्रेजेंस में, तो रिएक्शन का नाम क्या है। मैं आपको हिंट देता हूं एक बार, क्या है रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन है फर्स्ट, सेकंड क्या है रिएक्शन, हुंड्स-डीकर रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन बेटा, हुंड्स-डीकर रिएक्शन, या ये रिएक्शन कोनाल्ट फिंकलस्टीन रिएक्शन है। आपके ऑप्शन है बेटा ए स्वार्ट्ज रिएक्शन, बी हुंड्स-डीकर रिएक्शन, कोनाल्ट फिंकलस्टाइन, सी या ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। जल्दी से जवाब दीजिए, फर्स्ट ऑप्शन है आपका स्वार्ट्ज अभिक्रिया, सेकंड हुंड्स-डीकर अभिक्रिया, और थर्ड है आपका कोनाल्ट फिंकलस्टीन, और जो फोर्थ है आपका वो है नन ऑफ दीज। जल्दी से कमेंट करके सही आंसर दीजिए, राइट आंसर दें, जल्दी जल्दी से आप राइट आंसर दें, तेजी से। बिल्कुल सही जवाब आ चुका है सिद्धार्थ पाल, ऑप्शन नंबर सी कोनाल्ट फिंकलस्टीन, और बबलू कुमार कोनाल्ट फिंकलस्टीन, बिल्कुल सही जवाब है। ये आ गया स्वाद, प्लीज अपना नाम चेंज करें, जल्दी से बताएं। इनका भी ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर तीन विश्वेंद्र त्यागी, ऑप्शन नंबर सी तनु, नन ऑफ दीज, और ब्रजेश वालिया कोनाल्ट सर, यश दीक्षित सी, विशाल गोपला ऑप्शन नंबर सी, मेगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, तो माही निमेश ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो ये जो क्वेश्चन है आपने आई होप कि कर लिए होंगे। आप लोगों को मजा आ रहा है बेटा क्लास में या नहीं आ रहा है, तो चलिए देखते हैं। यहां पर बेटा इस स्लाइड में ज्यादा खिचपिच हो चुकी है, तो इसमें हमने क्वेश्चन किए दो, वन और टू। पहला क्वेश्चन था आपका डार्जिन अभिक्रिया से, और नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका फिफ्थ किया है हमने एसीटोन से। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको हम कल करेंगे बेटा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है वो आपके रह चुके हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, निम्नलिखित यौगिकों के क्वथनांकों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आप क्वेश्चन देखें बेटा, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, फर्स्ट है आपका ब्रोमोमेथेन, सेकंड आपका ब्रोमोफोम, थर्ड आपका क्लोरोमेथेन, थर्ड आपका डाइब्रोमोमेथेन, नेक्स्ट है आपका वन क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपिल क्लोराइड और वन क्लोरोब्यूटेन। ये आठ क्वेश्चन आपके सामने हैं, मैं इनको नंबरिंग देता हूं। पहला है बेटा जिसका नाम है ब्रोमोमेथेन, क्या नाम है, ब्रोमोमेथेन। चलिए फर्स्ट नंबर है इसका ब्रोमोमेथेन, ब्रोमोमेथेन होता है बेटा आपका CH3Br, मैं इनकी स्ट्रक्चर बता रहा हूं आपको बेटा। सेकंड है आपका ब्रोमोफोम, क्या नाम है बेटा, ब्रोमोफोम। तो ब्रोमोफोम क्या होता है, जैसे आयडोफोम होता है आपका CHI3, वैसे ही ब्रोमोफोम होता है CHBr3। दो तीन और बता दो बेटा, आयडोफोम का फॉर्मूला जरूर नोट करें, याद रखें CHI3 आयडोफोम, और ये है नेक्स्ट CHCl3 क्लोरोफोम। दोनों फॉर्म ने जरूर याद रखें, एक आयडोफोम और एक क्लोरोफोम। कौन कौन से फॉर्मूले बेटा, एक तो आयडोफोम और एक क्लोरोफोम। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन है आपका क्लोरोमेथेन, क्या नाम है इसका, क्लोरोमेथेन। जो ऑप्शन था आपका ये है आपका क्लोरोमीथेन, फॉर्मूला होगा इसका CH3Cl, और फोर्थ है आपका डाइब्रोमोमेथेन, क्या नाम है इसका, डाइब्रोमोमेथेन। क्वेश्चन एक बार जल्दी से पढ़ लें दोबारा, मैं इनके स्ट्रक्चर बता रहा हूं बेटा आपको, क्योंकि स्ट्रक्चर भी क्वेश्चन में है। तो डाइब्रोमोमेथेन होता है आपका CH2Br2, क्या नाम है, आप डाइब्रोमोमेथेन का क्या नाम होगा, CH2Br2। ऑप्शन नंबर फिफ्थ की तरफ चलते हैं, वन क्लोरोप्रोपेन, स्ट्रक्चर बनाइए बेटा जल्दी से, वन क्लोरोप्रोपेन, अपनी अपनी कॉपी में स्ट्रक्चर बनाए बेटा, वन क्लोरोप्रोपेन। तो ये हो गया आपका प्रोपेन इज 1, 2 and 3 वन क्लोरो, तो इसका मतलब फर्स्ट नंबर पे आपका क्लोरो 1।
अगर हम इसे वन नंबर दें तो 1 2 3। आई होप आप वैलेंसी खुद कंप्लीट कीजिएगा, जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा, फिर मैं आपको चेक कराता हूँ वैलेंसी आपने क्या की है। क्वेश्चन नंबर 6, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। थोड़ी देर पहले आपको बताया था आइसो का मतलब कि अगर सेकेंड नंबर पे होता है तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड CH3 सिंगल बॉन्ड CH और ये हो जाएगा नीचे Cl और ये हो जाएगा CH3 आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और ये है ऑप्शन नंबर आपका 7। सॉरी बेटा ये आपके साथ ही ऑप्शन है 1-chloro-butane। क्या नाम है इसका? 1-chloro-butane। तो मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। 1-chloro-butane बेटा सबसे पहले ब्यूटेन में 4 कार्बन, कितने कार्बन बेटा 4, 1 2 3 एंड 4। तो ये है बेटा आपके कार्बन 4, 1 पे क्लोरो है आपकी, क्या है बेटा क्लोरो, तो 1 पे क्लोरो है Cl। मान लीजिए नंबर 1 है, मैं राइट साइड को प्रीफर करता हूँ, आप लेफ्ट से भी बेटा प्रीफर कर सकते हैं, तो 1 पे क्लोरो। तो जल्दी से आप 7 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों की स्ट्रक्चर कंप्लीट कीजिए, जल्दी से कीजिए बेटा, मैं आपको मैच कराता हूँ फिर। तो ये है बेटा आपका, अगर आप देखते हैं 5th क्वेश्चन एक बार मैच कीजिए बेटा, आपने अगर स्ट्रक्चर ठीक बनाई है तो ये आपका CH3 CH2 और CH2। तो 5th वाले का जो ऑप्शन था वो था आपका CH3 CH2 CH2 Cl। क्या था बेटा आपका? CH3 CH2 CH2 Cl। 7th क्वेश्चन है आपका, 7th बेटा जल्दी से एक बार स्ट्रक्चर कंप्लीट कीजिए, इसकी वैलेंसी कंप्लीट कीजिए। 7th है आपका 1-chloro-butane। तो स्ट्रक्चर में आपको एक बार दोबारा से बता रहा हूं बेटा, ये हो जाएगा CH3 CH2 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 Cl। आप लोगों के लिए बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से बेटा विद इन 30 सेकंड जो जवाब देगा उसका नाम जल्दी से बोला जाएगा बेटा, उनके नाम लिए जाएंगे बेटा वीडियो में। क्वेश्चन एक बार दोबारा सुन लें, क्वेश्चन नंबर 6 आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, IUPAC नाम बताएंगे बेटा इसका, लास्ट क्वेश्चन है ये, IUPAC नेम बताएंगे बेटा आप इसका, जल्दी से तीव्र, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 बेटा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, जल्दी से बताइए इसका IUPAC नाम, फर्स्ट 3 कैंडिडेट। किरण देवी CH3 CH2 CH2 Cl, बिल्कुल सही था आपका। ब्रजेश वालिया सर यही है, सेम है सर, सर ठीक से नहीं दिख रहा है, प्लीज चेंज द पेन कलर। ओके अजेंद्र धामा, चलिए मैं पेन कलर चेंज कर लेता हूं बेटा। किरण देवी माही CH2 Cl CH2 CH2 CH3 ठीक है, 7th का बिल्कुल सही जवाब है, किरण देवी 2-chloro-propane। चलिए बेटा इतना ही, तो ये थे आज की क्लास बेटा। क्वेश्चन है आपका 10.6, ब्रोमोमेथेन ब्रोमोफॉर्म क्लोरोमेथेन डाइब्रोमोमेथेन 1-chloro-propane एंड आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और साथ में 1-chloro-butane। क्वेश्चन ये है बच्चों कि इनके क्वथनांकों के बढ़ते क्रम में, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। कल जो बच्चे कमेंट में सही आंसर देंगे, सीक्वेंस बनानी है बेटा आप लोग, नंबर वाइज आपको आंसर देंगे और इंक्रीजिंग ऑर्डर में आंसर देंगे, सबसे पहले वो जिसका क्वथनांक कम होगा, फिर उसके बाद जिसका ज्यादा होगा। आप लोग नाम ना लिखे कोई बात नहीं, 1 > 2 > 3 समथिंग करके आप आंसर दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।